सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग के लिए फाफ डुप्लेसी ने तूफानी पारियां खेली और चेन्नई की आईपीएल का खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन फाफ डुप्लेसी ने इतनी अहम पारियां किसके लिए खेली, क्या चेन्नई सुपर किंग के लिए? जी नहीं, दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने बताया कि ये पारियां उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के लिए खेली जरूर, मगर उद्देश्य चेन्नई को जिताना नहीं था। दरअसल फाफ डुप्लेसी दक्षिण अफ्रीका का शानदार बल्लेबाज है। वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की स्क्वाड में शामिल थे और आईपीएल 2021 में दूसरे सबसे बड़े स्कोरर रहे। उन्होंने आईपीएल 2021 में 633 रन बनाए। वो टूर्नामेंट के दूसरे सबसे बड़े स्कोरर रहे। यही नहीं, आईपीएल 2021 के सबसे बड़े स्कोरर ऋतुराज गायकवाड़ से उन्होंने 2 रन ही कम बनाए। फाफ डुप्लेसी ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर जो ओपनिंग साझेदारियां की, उसे चेन्नई को आईपीएल जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। यही नहीं, आईपीएल 2021 के फाइनल मैच में फाफ डुप्लेसी ने 59 गेंदों पर 86 रन बनाए। वहीं हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के एक कार्यक्रम में फाफ डुप्लेसी ने बताया कि उनका उद्देश्य था कि सीएसके यानी कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका को ये दिखाना है कि वो कितने बेहतर हैं। फाफ डुप्लेसी ने बताया कि उन्होंने शुरू से ही ये लक्ष्य बना लिया था कि वो आईपीएल 2021 के टॉप स्कोरर में रहना है। हालांकि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बावजूद फाफ डुप्लेसी को दक्षिण अफ्रीका की T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुना गया। यहाँ ये भी बता दें कि फाफ डुप्लेसी को चेन्नई की टीम ने रिटेन नहीं किया है। अब आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन होना है। फाफ के प्रशंसकों की निगाहें इस बात पर है कि फाफ डुप्लेसी किस टीम में जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।